कैसे करेंगे ये हम बताते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा पानी लिया है और इसको हमें लूप वॉर्म करना है, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा। और ईस्ट को कैसे राइस करते हैं ये मैं आपके अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। और सबसे पहले हम हाफ टी स्पून डालेंगे शुगर और फिर उसके बाद मैं डालूंगी 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट। मुझे बस एक ही बनाना है गार्लिक ब्रेड तो उसके लिए मैंने 1 टीस्पून लिए। अगर आपको 2, 3, 4 गार्लिक बनानी है तो मुझे और ज्यादा ईस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो अभी इसमें टाइम लगेगा इस ईस्ट को या राइस करने में। तब तक के लिए हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं और इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे, इसको हमें चम्मच से चलाना नहीं है, इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा ईस्ट राइस हो चुका है। जब तक मेरा ईस्ट राइस हो रहा है तब तक मैं इंग्रेडिएंट आपको दिखाती हूँ। ये है हाफ बॉल मैदा, क्योंकि मुझे बस एक ही गार्लिक ब्रेड बनानी है। आपको और ज्यादा बनानी है तो आप और भी ले सकते हैं मैदा। ये है चीज, ये है कॉर्न और ये है बटर। बटर में मैंने चिली फ्लेक और ऑर्गेनो डाला है और ये है घिसी हुई गार्लिक। मैं इस गार्लिक को इसी में ही डाल दे रही हूँ, इसमें ही डाल दिया है और इसको हम बाद में मेल्ट कर लेंगे क्योंकि इस तरीके से हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमें बाद में मेल्ट करना है। मेरा ईस्ट राइस हो गया, देखिए इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं। अगर बबल्स नहीं आए हैं तो आप इसको फेंक सकते हैं, दोबारा आप करिए। और इसमें मुझे थोड़ा सा 10 मिनट टाइम लग गया था क्योंकि इस मानसून वेदर है तो इसमें टाइम लगता है। अगर ये समर्स होते तो बहुत ही जल्दी इमीडिएट राइस हो जाता। तो अब हम इसको डालेंगे मैदे में और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको आटे को गूंथने के लिए मुझे लुकवर्म वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इसमें लुकवर्म वाटर दिया। पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये लुकवर्म वाटर है, इसको मैंने ये नीट कर दिया है। और इसको क्योंकि मैंने बताया कि एक ही मुझे गार्लिक ब्रेड बनानी है तो इसके लिए सफिशियंट है इतनी। अब इस आटे को हम एटलीस्ट 45 से 1 आवर तक ढक के रख देंगे। अब इस आटे को 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देंगे। अभी आप देख रहे हो ये बहुत थोड़ा सा है, ये बिल्कुल इसका डबल हो जाएगा, तो अभी हमें 1 घंटा वेट करना है। ये देखिए मेरा ये आटा राइज हो गया है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हो जाता है। और मैंने हाफ बॉल लिया था तो बस इतना ही आटा है। अब मुझे थोड़ा सा मैदा के हेल्प से आटे को नीट करना है और ये देखिए बहुत स्टिकी है। मुझे तब तक नीट करना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए, जैसे हम गेहूं के आटे रोटी बनाने के लिए करते हैं। तो ये देखिए, और थोड़ा सा घी भी डालेंगे और एटलीस्ट 7 मिनट हमको इसे अच्छे से इस तरीके से नीट करना है। और जब तक ये होना जाए स्मूथ तब तक हमको नीट करते रहना है। मेरा आटा बिल्कुल स्मूथ हो गया है, पहले कितना स्टिकी था। और इसको स्मूथ करने के लिए मैंने घी और मैदे का यूज किया हुआ था। अब हम इसको रोटी का शेप देंगे। उसके लिए और जब तक मैंने आटे को नीट करा, मैंने 15 मिनट माइक्रोवेव मोड में प्री हीट करने को रख दिया है माइक्रोवेव को। तो उधर माइक्रोवेव भी प्री हीट हो रहा है। ये हमारा मिल गया है। अब हमने इस बटर को जिसमें मैंने चिली फ्लेक और ऑर्गेनो और थोड़ा सा काली मिर्च डाला था उसको मैंने मेल्ट कर लिया है और अब इसको अप्लाई करेंगे पूरे में।
डालेंगे हम। थोड़े से कॉर्न भी डालेंगे। थोड़ी सी ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर देंगे। आपका मन हो तो थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी जो साइड है बहुत ही प्रॉपर वे में बंद करेंगे। इसके ऊपर भी हमने जो बटर का मिक्सचर बनाया था वो लगाएंगे। बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल टेक्सचर और गार्लिक ब्रेड बना हुआ है और आप बहुत ही इजी भी है बनाना। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा बना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।